हाय गाइज, वेलकम टू MS एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो आज का फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट हमारा गाइज काफ़ी ऑसम एंड यूनिक होने वाला है। यानी आपको फोटो एडिटिंग हम करके दिखाने वाले बिल्कुल फोटोशॉप की तरह। सो पिक आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइज। सो इसी टाइप की कमाल की फोटो एडिटिंग अगर आप सीखना चाहते हो सो गाइज वीडियो को कम्प्लीटली पूरा लास्ट तक यहाँ पे आपको देखना होगा और जो भी हमने स्टेप्स बताए आपको सारे के सारे फॉलो करना पड़ेगा। और इस एडिटिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आपको वीडियो के हर अपडेट मिल सके। सो गाइस चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस आपको यहाँ पे अपने वाइट बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप में ऐड करना होगा यहाँ पे, और इसी बैकग्राउंड पे हम सारा वर्क हम यहाँ पे करने वाले हैं हमारा। सो अब क्या करेंगे, हम सिंपली इसका कलर चेंज करेंगे बैकग्राउंड का। तो हम कलर किस टाइप से हम यहाँ पे लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फोटोज़ पे चले जाएंगे। यहाँ से सिंपली जो बैकग्राउंड का कलर है हमारा सिंपली हम वहाँ से ये ऐड कर लेते हैं। सो बैकग्राउंड का कलर हमारे यहाँ पे कुछ स्टेप से हम यहाँ पे रखने वाले हैं, तो इतना हम यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेट करते हैं। देन क्रॉप करने के बाद में अब इसका क्या है, क्वालिटी तो आपकी डाउन हो जाएगी, तो इतना यहाँ पे इसे रहने देंगे। अब यहाँ से हम कलर्स को सेलेक्ट करते हैं और कलर से सेलेक्ट करके यहाँ से कलर ड्रॉप का ऑप्शन है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ब्रश पे आएंगे और ब्रश के साइज को ऑलमोस्ट हम फुल कर देंगे और हार्ड भी फुल कर देंगे हार्डनेस। अब सिंपली इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे कलर फिल हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो बैकग्राउंड की क्वालिटी हमारी यहाँ पे लॉस नहीं होगी। सिंपली ऐसे हम इमेज को सिंपली इस कलर को हम यहाँ पे लेते डायरेक्ट इस पर फिल करते हैं तो बैकग्राउंड की क्वालिटी हमारे यहाँ पे लॉस होने के चांसेस रहते हैं। सो कुछ इस टाइम से हम ड्रॉ करेंगे तो बैकग्राउंड हमारे यहाँ पे अच्छे से यानी क्वालिटी में रहेगा। सो इतना आपको करना है यहाँ पे सिंपली, और इसको कर देना है यहाँ से राइट डन। सो बैकग्राउंड हमारे यहाँ पे सिंपली राइट डन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना होगा गाइस, और यहाँ से हम अपनी पिक को ऐड कर लेते हैं। सो गाइस पिक का बैकग्राउंड यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया। सो पिक हमारी कुछ स्टेप्स यहाँ पे। सो गाइस इतने यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले इफेक्ट्स पे आएंगे। देन इफेक्ट्स पे आने के बाद में हम यहाँ पे इफेक्ट्स यूज़ कर लेते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पे इफेक्ट्स यूज़ करेंगे। जैसे हमने इफेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे ऑयल पेंट। सो ऑयल पेंट वाला इफेक्ट लेंगे, जिसमें क्या करेंगे इसकी अमाउंट को ऑलमोस्ट हम डिक्रीज करके रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे हम इतनी ऑलमोस्ट, या तो इसको बढ़ा लेते हैं हम 35 और इसकी फेड को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, तो कुछ इस टाइप से आपको इसे यहाँ पे ध्यान रख के करना है। और इसको कर देते हैं हम यहाँ से राइट क्लिक। सो इफेक्ट हमारे यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस इमेज को हम सिंपली अपने यहाँ पर इसे सेट करते हैं। देन इतना सेट करेंगे, सेट करने के बाद में इसको आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे अभी तक सेट नहीं करना, यानी राइट क्लिक नहीं करना, प्लस आइकन पे टैप करेंगे और यहाँ से ऐड पे आएंगे। देन ऐड पे आने के बाद में यहाँ से हम अपनी एक PNGs को ऐड करेंगे, यानी शेडो PNGs को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो उसको भी आपको कैसे सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये शेडो PNGs है हमारी कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। सो इसको आपको लेना है गाइस शेडो PNGs को। देन इसके हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेंथ बढ़ा देंगे और इसको कुछ स्टेप्स हैं यानी ऊपर की तरफ से स्लेच करके नीचे की तरफ यहाँ पे सेट कर देंगे, यानी हमको यहाँ पे लेनी है तो कुछ इतना हम यहाँ पे इसे रखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रेच करके बारीक कर देते हैं और यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं ताकि अच्छा इफेक्ट हमारे यहाँ पे आ जाए। और लेयर पे क्लिक करके इसको मोड ऑन करेंगे। आप सिंपली अपनी पिक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डुप्लीकेट क्रिएट कर देंगे। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद में अब आपको इधर नीचे की तरफ आना है फ्लिप एंड रोटेट में, तो यहाँ से इसको हम यहाँ क्या करेंगे फ़्लिप कर देंगे। देन फ्लिप करने के बाद में नीचे की तरफ आ जाएगी और इसको यहाँ पे सबसे पहले से तो हल्का सा ऐसे हम यहाँ पे रोटेट करेंगे। इतना यहाँ पे इसे हम रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को भी हम डिक्रीज कर देंगे, यानी थोड़ी ओपेसिटी को कम करेंगे, यानी इतनी करेंगे और इसको कर देते हैं यहाँ से राइट क्लिक। सो गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी यहाँ पिक में एडिटिंग हो चुकी है, काफ़ी ऑसम भी हमारी पिक भी हो चुकी है। सो आपको गाइस करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपको टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एडजस्ट पे आना है। अब यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको क्लैरिटी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि आपकी पिक की क्लैरिटी बढ़े, कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन की थोड़ी सी आपको
हल्का सा बढ़ा के रखना है, ब्राइटनेस थोड़ी सी डिक्रीज करनी है आपको, हाइलाइट्स भी आपको थोड़ी सी डिक्रीज करनी है, शेडोज भी आपको थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर डिक्रीज करके इसे राइट डन कर देना है। सो गाइस पिक आप देख सकते हो, काफ़ी उस समय हमारी पिक यहाँ पे ऐड हो चुकी है बिल्कुल फोटोशॉप की तरह सिंपली कुछ देर के अंदर। तो आपको इजीली अब अपनी पिक को ड्रॉ टूल्स में यहाँ पे ओपन करके सेव